आंखों को रोशनी तो बहुत थोड़ी चीज है, हम तो जान देने के लिए तैयार है। आपने देखा नहीं, सामने से गोली चल रही थी फिर भी उधर जा रहे थे। हर रोज 2-3 जहाज पंजाब के जा रहे हैं बाहर। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको हमारी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा। जो डीजल पे हटा दें, पेट्रोल पे हटा दें, गैस पे हटा दें, जो इनकी चीज़ है उनपे तो MSP लग रही है, जो हमारी चीज़ है उन पे क्यों नहीं है? इस पे MSP है, ये भी हटा दें, इनका अपना रेट हटा दो, हम भी नहीं लेंगे। जो तुम्हारे नेता लोग हैं वो गाड़ियों पे आए, वो बड़े बड़े बंगलों में रहे, हम झुग्गी झोपड़ी में पाले, क्यों हम काम नहीं करते? नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है शंभू बॉर्डर पर और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, शांतिपूर्वक यहाँ पे खड़े हैं। जो चीजें हमने लगाई थी यहाँ पे, जो ये तार लगा दिया गया है, यहाँ पे किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और उसके बाद दूसरी तरफ की अगर आपको तस्वीरें दिखाए तो वहाँ पे जो पुलिस की तैनाती हो रखी है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और वहाँ पे ऐसे जो पत्थर वगैरह वो भी आपको दिख रहे होंगे। और जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पे कटीले तार तक लगाए गए हैं, आप देख ही सकते हैं पुलिस वगैरह सब, पूरी फोर्स जो है वो वहाँ पे खड़ी हुई है ताकि किसान जो है यहाँ से आगे बढ़कर दिल्ली की तरफ ना जा पाए। और उसके बाद अगर दूसरी तरफ यहाँ की बात करें तो वहाँ पे पूरा तंबू लगा हुआ है, जहाँ पुलिस फोर्स के तमाम लोग आपको देखिए और देख रहे अंदर दिख पा रहे होंगे। और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे जो किसान है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। लगातार जो है धान दो पे है, दो हम पर्वती फसलें बना लिए, पानी हम अपना खत्म कर लिया। अगर ये 23 पे दे दें हम पानी निकालना बंद कर देंगे। अगर ये 23 पे दे दें, इनके पास चप्पल है उनका रेट तय किया जा रहा है, इनके पास जूते हैं उनका तय किया जा रहा है, हमारी फसल खुले में उगती है, कोई इसका कोई भी बीमा नहीं है। अगर हमारी खत्म हो जाती है तो हमारी होती है, तो हमारी फसलों को कोई रेट ही नहीं, हम क्या करें? वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर MSP दे दी जाती है आप लोगों को तो जो महंगाई जो है बहुत बढ़ जाएगी और जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से खरीदेंगे ऐसे? हाँ, मेरी बात सुनो, वो टेबल पे बैठ के बात करें, जो जूतों पे है वो भी हटा दें, जो 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 पूरी इस पे MSP है ये भी हटा दें, इनका अपना रेट हटा दो, हम भी नहीं लेंगे। देखो, जो डीजल पे हटा दें, पेट्रोल पे हटा दें, गैस पे हटा दें, जो इनकी चीज़ है उनपे तो MSP लग रही है, जो हमारी चीज़ है उनपे क्यों नहीं है? लिखती बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कल जो आप उसकी जो दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं उसकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है आप लोग? देखो, कोई भी फौज अपना वो अंदर की बात नहीं बताती, जो हम बता रहे हैं ना वो तो थोड़ा सा है, जो बता रहे हैं ना वो तो थोड़ा सा। पूरी तैयारी के साथ जाने वाले हैं, बैरिकेडिंग तोड़ ही देंगे इस बार। मेरी बात सुनो, जितनी बार आए हैं उतनी बार तोड़ा है, कभी हटा के नहीं गए, तोड़ा ही है बिल्कुल, लोग फेंका है अब उठाकर, इस बार कोई नया थोड़ी है। लेकिन दोबारा सामने से अगर गोली चलाई जाएगी, इस तरीके से जो तस्वीरें सामने आएगी कि आप घायल भी हो गए थे, आपको भी हॉस्पिटल चले गए, अब ओहो आंखों की रोक जब खुद मारने को तैयार है, हमारे विरासत में मिला है, शहीदी देनी हमारे गुरुओं ने सिखाई है हमें, गुरु गोविंद सिंह ने पूरी कौम के लिए शहीदी दी, हम तो उनके बच्चे हैं, हम कैसे टाल सकते हैं? आपने बताया आंखों की रोशनी, आंखों को रोशनी तो बहुत थोड़ी चीज है, हम तो जान देने के लिए तैयार है। आपने देखा नहीं, सामने से गोली चल रही थी फिर भी उधर जा रहे थे, ये तो इसलिए रुके हैं, हमारे हाथ हमारे लीडरों ने, जो अनखी लीडर जहाँ पे आए हैं, जो अनखी लीडर अनखी लोग जहाँ पे आए हैं उनकी वजह से हम रुके हुए हैं। नहीं तो एक बार और बताऊँ, पूरा रास्ता इस पर खाली है, पूरा रास्ता इस
खाली है, जहाँ से जाना है ना इससे जाना है ना इससे जाना है, जहाँ से जाना है मतलब इधर से ही जाके रहेंगे, साइड का रास्ता खाली हो जाए लेकिन जाएंगे इधर से। मेरी बात सुनो, फतेहाबाद है वो खाली पड़ा है, ये चंडीगढ़ साइड हिमाचल है वो खाली पड़ा है, जहाँ से रोक रहे हैं ना जहाँ से जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से भी तो जा सकते हैं, तो यहीं से क्यों जाना है आप लोग? क्योंकि हमको जहाँ से क्यों रोक रहे हैं जी, हमारी राजधानी नहीं है क्या? हम दिल्ली हमारी नहीं है? वो कह रहे हैं कि आप लोग हिंसा भड़क जाएगी, जिस तरीके से पिछले किसान आंदोलन में हुआ था कि जो लाल किले पे झंडा लगा दिया गया था उसकी जो चीजें दोबारा दोहराई ना जाए, इस वजह से आप लोगों को रोका जा रहा है। मेरी बात सुनो, जो करा रही है वो सरकार करा रही है जे हमसे। मेरी बात सुनो, लाल किला किसका है? हमारा नहीं है, हम झंडा नहीं लगा सकते। हमने जितना तिरंगे का हम सम्मान करते हैं, हमारे झंडे का क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो नीचे लगाया था, ऊपर नहीं, तिरंगे से ऊपर आज तक कभी नहीं लगाया। लगाएंगे तो हम झंडा लगाएंगे लेकिन नीचे लगाएंगे। जो लाल किला है ना, ये तो हमारे सिंघा ने जित के देते हैं, इन्होंने इनके कोल किया तीन सिंह साढ़े बघेल सिंह, उन्होंने जित के इन्होंने दिया था। फिर मुसलमान कह लगे भी मेरी बहुत हद है, सानू दे दियो, ये पूरे 5 लाख सिंह रहूगा दिल्ली के अंदर, उन्हें जगह दे दी, सारा कुछ होया था। ये तो पिछला इतिहास है, साढ़े ही जितया पाएगा, इन्हें मैं क्या सरमत्या जीत जूंगा, ये कर दूंगा। फिर इतना सिंह की देनदारी है सारी, गुरु तेग बहादुर जी ने सीधे आ जाकर दिल्ली इन्हें पिछे जेड़े अब सू रोक बैठे ये। फिर आज बहुत शांतिपूर्वक हो रहे, जिस तरीके से पहले की तस्वीरें आ रही थी उसमें आप क्या कहेंगे, बहुत कैसा माहौल था? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये शांतिपूर्वक, ये देखो दूर तक ये देखो कि जैसे कितना लंबा है ये बंद लगा दे रहे, ये तार लगा कर रोक कर रखा है। वो किसलिए रोका रखा है? इसलिए रोका रखा है कि जो हमारे आगू है, किसान आगू है, उनकी बातचीत सरकार के साथ चल रही है। जेकर अच्छी बातचीत चलती साथ हो रही है बातचीत, अगर हमें जो हमने जो मांगे हैं, जरूरी मांगे हैं वो मनाई जाती है, मान जाती है सरकार, तो हम हिंदे। जेकर वो हम ये देख रहे हैं कि लेकिन जो सरकार है वो समा टाल रही है, जो जायज महंगे हैं इन्हू की किसानों की देनी चाहिए। आप पहले सवाल कर रहे थे जेकर MSP लग जाएगी तो बहुत महंगाई हो जाएगी, कैसे? जैसे MSP जेकर होगी 2500 रुपया कनक का रेट होगा क्विंटल का, तो 30 रुपये से अधिक आटा नीचा होगा। जब MSP नहीं रहती है तो वो जो व्यापारी लोग हैं वो किसान से इसको 20 रुपये खरीद कर, तो कभी ऐसे भी समय आएगा 60 रुपये 100 रुपये किलो आटा बना कर देंगे। इसलिए जो MSP है वो हरेक वर्ग के लिए जरूरी है, क्योंकि खाना तो हर को खाता है। जेकर MSP पर खरीदी हुई कनक का, गेहूं का, धान का रेट एक जगह रहेगा तो आम लोगों के लिए भी जो है वो भूखमरी नहीं पड़ेगी। जेकर MSP नहीं रही तो गरीब लोग जो है भूखे मर जाएंगे। बिहार के अंदर जो हमारे प्रवासी रहते हैं ना यहाँ पर, वो कहते हैं वहाँ पर MC नहीं है गवर्नमेंट की खरीद, अगर गवर्नमेंट की खरीद वहाँ होएगी तो सारा अनाज गवर्नमेंट में चले जाएगा, वो तो गरीब पक्के मर जाएंगे, उन्हें 3000 रुपए की कणक नहीं मिलेगी। एक अकेला पंजाब है जहाँ पे MSP 2 फसलों पे है, सिर्फ एक अकेला पंजाब है जिनपे पहले भी लड़के MSP ली 2 फसलों पे, गेहूँ और धान पे, लेकिन और किसी भी फसल पे MSP नहीं है। इंडिया में जितने भी सूबे हैं उन पे कहीं भी MSP नहीं है, किसी फसल पे नहीं है। वहाँ पे मंडी भी नहीं है, उनका अनाज ऐसे रुल रहा है। वो पंजाब क्या करने आते हैं, इसलिए उनको पंजाब आना पड़ता है। उनके पास भी जमीन है, उनके पास भी खेती करने के लिए जमीन वहाँ पर है, लेकिन वो उनको क्यों आना पड़ रहा है? बड़े बंदे हम चले जाते अगर ये MSP लागू नहीं करेंगे, हमको कहाँ जाना पड़ रहा है? कनाडा, अमेरिका, रशिया, हम बाहर जाना पड़ रहे हैं ना। कितनी रेट हर रोज 2-3 जहाज पंजाब के जा रहे हैं बाहर, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको हमारी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा। और जिस तरीके से आपकी तस्वीरें आ रही है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वहाँ पे कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि जो ये किसान है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन जो असली किसान है वो खेती में है। देखो जो तुम्हारे नेता लोग हैं वो गाड़ियों पे आए, वो बड़े बड़े बंगलों में रहे, हम झुग्गी झोपड़ी में पाले,
क्यों हम काम नहीं करते? हम किसी को किसी को किसान खेत में है, बड़े किसान है जो खेत में है। आप फिर भी है खेत में? मेरी बात सुनो, जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, मेरी बात सुनो आप मैडम, एक बार मेरी बात सुनो आप। जो जहाँ पे जितने लोग आए हैं इनकी तस्वीरें ले लो, इनको बोलो MSP लागू कर दे। अगर ये सड़कों पे मिले आपको फिर हमें बताना, एक खेत में मिलेंगे। मैं भी खेत से आया हूँ, हम खेत से ही आए हैं। अगर हम खेत से ना आते फिर जहाँ पे बम गोलियां कौन खाता? क्या छटका से हम गोलियां खाने आ गए? सरकार को आपसे ऐसी क्या नाराजगी है जो आपकी मांगों पे ध्यान न देके आश्वासन दे दिया पहले और अब जाके भी आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही है? देखो जो सरकार है ना वो हमको कठपुतली मचा रही है, वो हमको देख रही है। हम एक पे दे दे, दो पे दे दे, चार पे दे दे, लेकिन 23 पे नहीं दे रही। दे दे थोड़ा कम दे दे। मैं जवाब दूं इसका, ये जो सरकार है वो क्यों नहीं हमारी मांगे मांग रही? क्योंकि वो उन्हों के पीछे को पावर और है, कॉर्पोरेट घराने हैं जो उन्हों को इलेक्शन के वेले उन्होंने पैसा लगाया, उन्हों को इलेक्शन कराई, जीता हासिल कराई उन्हों को। अब वो अपनी मर्जी के कानून इन्हों से बना रहे हैं जो हम किसान जो है बिल्कुल नहीं मानता इसको। देखिए सीधे तौर पर ये लोग बोल रहे हैं कि जो किसान जो है अगर आप उनको MSP दे देंगे तो किसान खेत में ही दिखेंगे। जो सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि जो असली किसान है वो खेत में है, अगर उनको MSP दे दी जाती तो यहाँ जमीनों पर अब आपको नहीं मिलेंगे, जो असली किसान है खेत में मिलेंगे। और उसके बाद चंबू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर जो किसान शांतिपूर्वक जो है धरना दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो किसान जो पुलिस वाले वो भी हमारे ही भाई है, किसान के ही बेटे हैं, सरकार ही नौकरी कर रहे हैं तभी जाके कुछ बड़ी कुछ चीजें कर रहे हैं। बाकी हम लोगों ने किसानों से ही बात कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाई किस तरीके से उनमें जो है करा जा रहे हैं चीजें। बाकी इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद।